लेकिन धरातल पे जैसे हमारे पंचायत में यहाँ प्रचार प्रसार जो होना चाहिए सरकारी व्यवस्था या सरकारी माध्यम से, उस चीज़ में कमी नज़र आ रही है। धर्म के आधार पे वो लोग कुछ चीज़ों को दिमाग में लेके भी चलते हैं, हो सकता है ये भी एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को जागरूक करें और उनको वैक्सीनेट करवाएं, ये जवाबदेही लेनी चाहिए। आप अगर डाटा देखेंगे तो गम्हरिया प्रखंड में वैक्सीनेट हुई लोगों की संख्या में हमारा पंचायत भवनी पंचायत अव्वल दर्जे पे है, सबसे ऊपर है। स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। कोरोना महामारी लगातार अपना कहर बढ़ पड़ा, तीसरी लहर आने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में सरकार भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर लोगों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ भी अब देखने को मिल रही है, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर बिहार में, और अभी इस वक्त हम लोग मधेपुरा में हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीन को लेने से परहेज कर रहे हैं। कुछ समुदाय विशेष के लोगों के बीच नकारात्मक इसको लेकर माहौल बन रहा है। ऐसे में आज हम पहुँचे हैं मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड के बभनी पंचायत में। बभनी पंचायत के सरपंच राजेश कुमार झा जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। एक जो बात खुल के सामने आ रही है, सरकार लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को प्रेरित कर रही है वैक्सीन लगाने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो ये प्रोग्राम है वो ध्वस्त हो जा रहा है कि लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण है इसका? मेरे हिसाब से इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण है जो अभी भी जहाँ अशिक्षा है, शिक्षा का स्तर जहाँ कम है, तो वहाँ मतलब इन सब ढंग की भ्रांतियाँ फैली हुई है लोगों में। दूसरा चीज़ और इसमें कमी होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो सरकार की व्यवस्थाएं जो भी है ऊपरी स्तर पे, वहाँ सरकार के द्वारा तो सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है प्रचार प्रसार के लिए, या हम लोग टीवी रेडियो से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सरकार बताती है जो ये सभी तरह की व्यवस्था के बारे में डिटेल बताती है सरकार। लेकिन धरातल पे जैसे हमारे पंचायत में यहाँ प्रचार प्रसार जो होना चाहिए सरकारी व्यवस्था या सरकारी माध्यम से, उस चीज़ में कमी नज़र आ रही है। एक मूल कारण ये भी है जिस कारण से लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। दो बातें आपने कही सर, कि एक तो अशिक्षा, बात ये भी आ रही है कि जो शिक्षित लोग हैं उसमें उनमें भी कहीं ना कहीं लोग जो लोग कर्मी हैं बता रहे हैं कि जाते हैं वैक्सीन देने के लिए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं वैक्सीन ले रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, इस परिदृश्य में मैं आपको कहना चाहूँगा जो इस ढंग की भावनाएँ कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो हैं उनमें हैं, खास करके एक नेगेटिविटी उनके दिमाग में है, वो वर्तमान गवर्नेंस के प्रति है, या उनका व्यक्तिगत कोई सोच है जो नहीं ये चीज़, या धर्म के आधार पे वो लोग कुछ चीज़ों को दिमाग में लेके भी चलते हैं, हो सकता है ये भी, वो मैं ये नहीं कहता जो वो चीज़ होगा ही, मैं अनुमान करता हूँ वो भी मैटर हो सकता है, वो भी मुद्दा हो सकता है उन लोगों का, और ये भी हो सकता है वर्तमान गवर्नेंस जो है उसके विरोध में भी इस ढंग की सोच उनकी हो, इस कारण से भी हो सकता है। मतलब सरकार से चिढ़ के कारण लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, संभव है, उम्मीद किया जा सकता है। सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं फेलोर नज़र आता है। जब अभी हम आ रहे थे यहाँ पर तो अभी देखे हम लोग कि गांव में वैक्सीन वैन पहुँचाई नहीं है, जो कोरोना वैक्सीन का जो एक्सप्रेस जो चलाया जा रहा है वो पहुँचाई नहीं है, प्रचार प्रसार का अभाव है। एक तरफ जहाँ ये मालूम चल रहा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसको लेकर, लेकिन स्थानीय स्तर पर कमियाँ दिख रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ तो मैंने इससे पहले भी कहा, जो वर्तमान में सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही है वो मूलभूत रूप से सही तरीके से निचले स्तर तक कायम नहीं किया जा रहा है, जिसका प्रभाव अभी नज़र आ रहा है। जो सरकार जितनी व्यवस्थाएं की है एडवर्टीजमेंट से लेके जागरूक लोगों को जागरूक करने के प्रति, अगर वो 100% अगर कार्य होता तो अभी ये कमी आपको देखने को नहीं मिलती। आप लोग तो हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत वार्ड वार्ड जाके आप लोग बाइट लेते हैं, जानकारी लेते हैं, तो अगर वो व्यवस्थाएं सही तरीके से धरातल तक आती सरकार की प्रचार प्रसार की और जागरूक करने की व्यवस्था, तो ये आपको अभी जितनी कमी नज़र आ रही है वो नज़र नहीं आती। ये तो दूसरा कि आप मैसेज क्या अपने जो आपका जो ग्रामीण इलाका है यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर्वप्रथम ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अगर इस कोविड की महामारी से हम अपने घर को, खुद को, अपने घर को,
अपने घर के सदस्यों को, अपने समाज को, अपने पंचायत को, अपने प्रखंड को और अपने राज्य और अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये वैक्सीनेशन एकदम जरूरी है, हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और साथ ही समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको ये जवाबदेही लेनी चाहिए अपने समाज के प्रति, जो वो कम से कम 10 लोगों को, हर एक एक प्रबुद्ध व्यक्ति अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को जागरूक करें और उनको वैक्सीनेट करवाएं, ये जवाबदेही लेनी चाहिए। अगर वो ये मानते हैं कि ये हमारा समाज है, उस समाज से वो मतलब रखते हैं, अपने अच्छे बुरे में उस समाज से उम्मीद करते हैं जो खरा हो, तो अभी के समय में, इस वैश्विक महामारी के समय में, उनका अपने समाज के प्रति दायित्व बनता है जो हर एक एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्तियों को जागरूक करके वैक्सीनेट करवाएं। आप स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पर, तो आपने इस काल में कितने लोगों को वैक्सीनेशन करवाया है? सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूं, जो हमारे द्वारा और हमारे यहाँ के और भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मुखिया जी, हमारे माननीय समिति सदस्य और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य और वार्ड पंच हैं, हम लोगों का कुछ काल के अंतर पे बैठक होती रहती थी और हम लोग हर एक वार्ड का आउटपुट लेते रहते थे और जिस वार्ड में कुछ कमी लगती थी तो हम लोग सभी प्रतिनिधि एक समूह बनाकर वहाँ जाते थे और उस वार्ड के लोगों को जागरूक करते थे और सबों ने कंधा से कंधा मिला के इस कोविड के महामारी में एक दूसरे से कंधा से कंधा मिला के हर एक जनप्रतिनिधि और ख़ास करके समाज के जो यूथ हैं उन्होंने हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया और हम लोग अपने समाज को, अपने पंचायत, आप अगर डाटा देखेंगे तो गम्हरिया प्रखंड में वैक्सीनेट हुई लोगों की संख्या में हमारा पंचायत भवनी पंचायत अव्वल दर्जे पे है, सबसे ऊपर है। तो उसका यही रीज़न है जो हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड, सभी वार्ड सदस्य, सभी वार्ड पंच और हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हम लोगों के साथ हिस्सा लिया और समाज को व्यवस्थित करने में, इस वैश्विक महामारी से बचाने में योगदान दिया। हम लोगों ने समूह बना के वार्ड वाइज हम लोगों ने जागरूकता का काम करवाया, लोगों से जाके मिले, उन्हें जागरूक किए, तो हमारे यहाँ का रिजल्ट पॉजिटिव है, हमारे यहाँ वैक्सीनेट लोगों की संख्या कहीं से बेहतर है। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे बावड़ी पंचायत के सरपंच राजेश कुमार झा जी। जरूरत है एक दूसरे का हाथ थाम कर जो ये समय आया है इसको लेके हम लोग आगे बढ़े। ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे इस खबर को अपने YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें।